हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक है वेब सीलिंग सेफ वर्कलोड। वेब सीलिंग का सेफ वर्कलोड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। कलर कोडिंग ऑफ वेब सीलिंग, वेब सीलिंग का कलर कोडिंग क्या है, मतलब कलर कोडिंग से कैसे पहचानेंगे कितने टन का वेब सीलिंग है वो हम बताएंगे। इंस्पेक्शन ऑफ वेब सीलिंग, वेब सीलिंग का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसको चेक कैसे करना है यूज करने से पहले। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेफ्टी प्रोफेशनल कासिम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी के लिए, और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। सीलिंग कलर, वेब सीलिंग जो हम कोई भी मटेरियल का हैंडलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सीलिंग का कलर, इतने कलर का वेब सीलिंग होता है और उसका सेफ वर्कलोड, कौन सी कलर का वेब सीलिंग कितने टन का होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। वायलेट कलर, वायलेट कलर 1 टन का होता है, जो बैगनी कलर का होता है वेब सीलिंग वो 1 टन मटेरियल उसका सेफ वर्कलोड होता है। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर 2 टन का मटेरियल उसका कैपेसिटी रहता है, 2 टन वो सामान कोई भी उठा सकता है। येल्लो, येल्लो कलर पीले कलर का जो होता है वो 3 टन उसका कैपेसिटी होता है। ग्रे कलर, ग्रे कलर जो है वो 4 टन का कैपेसिटी उठाता है। रेड, रेड लाल वाला जो 5 टन मटेरियल हम उठा सकते हैं रेड कलर का हम इस्तेमाल करने के लिए। और ब्राउन जो होता है वो 6 टन मटेरियल उठाता है, ब्राउन कलर उसका सेफ वर्कलोड जो है 6 टन है। और ब्लू 8 टन, ब्लू वाला जो होता है वो 8 टन का मटेरियल कैपेसिटी उसका रहता है, 8 टन तक मटेरियल वो उठा सकता है। और ऑरेंज, ऑरेंज जो होता है 10 टन उसका सेफ वर्कलोड होता है, 10 टन मटेरियल उठाने के लिए हम ऑरेंज वाला वेब सीलिंग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ऑरेंज, उससे एबव 10 टन से एबव मतलब 10 टन से ज़्यादा मटेरियल उठाता है, जिसका वेट 10 टन से भी ज़्यादा होता है उसके लिए भी ऑरेंज ही होता है। तो उसको हम कैसे पहचान करेंगे कि ये 10 टन से ज़्यादा उठाने के लिए, उसको हम अभी आगे हम बताएंगे कि उसका इस्तेमाल कहाँ करना है और उसकी पहचान कैसे करना है। जैसा कि अभी हम बताएं, बैगनी कलर जो है वॉलेट 1 टन के लिए, ये ग्रीन वाला 2 टन के लिए, येल्लो वाला 3 टन के लिए 3000 kg, ग्रे वाला 4 टन के लिए 4000 kg, और रेड वाला 5 टन के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउन वाला हो गया 6 टन के लिए, ब्लू 8 टन और ऑरेंज 10 टन, ये इसका सेफ वर्कलोड है। ये तो दोस्तों अपने लिए हो गया कि हम कहीं कोई भी वर्कर अगर ये पहले मटेरियल मेरे आने से पहले मटेरियल उठा दिया तो आसमान में अगर जो वेब सीलिंग है तो हम कलर कोडिंग से पहचान लेंगे कि कितने कलर को कितने टन का वो बेल्ट इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये येल्लो दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि 3 टन का बेल्ट है, मतलब 3 टन कैपेसिटी वाला बेल्ट इस्तेमाल कर रहा है। रेड अगर दिखेगा, लाल दिखेगा तो हमको समझ में आ जाएगा 5 टन का इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे इसके लिए क्या है कि उसका कलर कोडिंग रहता है और उसका सेफ वर्कलोड पहचानने के लिए भी होता है। और वर्कर को तो इतने कलर उसको पता नहीं रहेगा कि कितना कलर है, कौन वो याद नहीं रखेगा। तो वर्कर को समझाने के लिए अभी हम आपको एक दूसरे तरीके से हम बताएंगे, जो एकदम आसान तरीका है कि सेफ वर्कलोड हम कैसे पहचानेंगे कि ये कितने टन का सेफ वर्कलोड, कितने टन का ये बेल्ट है। तो अभी आगे हम देखते हैं। वो कलर कोडिंग तो अपने लिए हो गया कि हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन वर्कर को उतना कलर याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा, वर्कर को हम एक आसान से तरीके में हम समझा देंगे और अपने को भी याद रखना है, मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छा है ये। किसी भी बेल्ट पे एक ब्लैक कलर का धागा चला हुआ था, ब्लैक कलर का सिलाई, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉलेट कलर बैगनी कलर है, वहाँ पे एक काले रंग का सिलाई चला हुआ है, यहाँ पे एक तो ये 1 टन का है। ये ग्रीन वाला, इस पर 2 सिलाई चला हुआ है, काला वाला एक ये चला है एक ये चला है, 2 जो चला है तो ये 2 टन का हो गया। और येल्लो वाला, इस पर 3 धागा चला हुआ है, 1 2 और ये 3 धागा चला हुआ है। तो 3 धागा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इस पर देख रहे हैं ये 3 धागा चला हुआ है, तो 3 धागा चला हुआ है तो इससे क्या है 3 टन का हो गया। रेड वाला, रेड का कितना कैपेसिटी है 5 टन, तो इस पर हम गिनेंगे। ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो इस पर सिलाई चला हुआ है ब्लैक वाले धागे से, तो ये 5 टन का। और ये आपको हो गया यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टन का हो गया। तो ऐसे हम काउंट कर करके कितने जितना भी धागा उस पर चला होगा तो हम पता चल जाए, ये ऑरेंज है, ऑरेंज का 10 टन कैपेसिटी है, ये ऑरेंज वाला बेल्ट है इसका 10 टन का कैपेसिटी है, तो इसमें 10 धागा चला हुआ है, 10 सिलाई चला हुआ है यहाँ पे, इसको हम काउंट करेंगे इससे पता चल जाएगा कि ये 10 टन कैपेसिटी का बेल्ट है। अभी हम इसके इंस्पेक्शन का बात करेंगे कि इसको हम इस्तेमाल करने से पहले इसका हम चेक कैसे करेंगे कि ये इस्तेमाल करने के लायक अभी बचा हुआ या नहीं है। वेब सीलिंग डिफेक्ट्स, मतलब वेब सीलिंग में क्या क्या डिफेक्ट रहेगा तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये घस्सा लग गया हुआ है, यहाँ पे ये उखड़ा उखड़ा है, तो ऐसा कुछ रहेगा तो हम इस्तेमाल ना करेंगे।
ये है इसका आई, जो आई यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफेक्टिव है, यहाँ पे उखड़ा हुआ है, तो इसका भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी वेब सीलिंग में अगर ये नोट बना हुआ है अगर ये तो गाठ वगैरह बना है तो हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे इसका धागा जो है निकल गया हुआ है, ये धागा, तो फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे ये फंसक गया हुआ है, ये लमरा हुआ है, अगर ये लमर गया है या फंसक गया हुआ है तो इसका भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इस पर भी देख रहे हैं यहाँ पे ये घस्सा लग गया हुआ है, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है हमको। किसी भी बेल्ट पे अगर ये एसिड वगैरह गिर गया और वो टूटा हुआ नहीं है, तो ये एसिड से गिरने के बाद क्या है, इसका कैपेसिटी कम हो गया, तो इसका भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अंदर से कमज़ोर हो जाता है, एसिड वगैरह लग गया है, एसिड या अल्कली यहाँ पर लिखा भी हुआ डैमेज, तो ये टूट सकता है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम अलग कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एज पे इस्तेमाल करने से इस तरह से बेल्ट कट जाता है किनारा। एड्स पे हम कोई भी किनारे पे इस्तेमाल का बेल्ट करते हैं तो वहाँ पे पहले उसका एड्स प्रोटेक्शन देते हैं, वहाँ पे कुछ गद्दा वगैरह डाल देते हैं, कुछ कपड़ा वगैरह डाल देते हैं, उसके ऊपर से हम बेल्ट लगाते हैं, फिर हम उसके ऊपर से बेल्ट को लगाते हैं। नहीं तो एज पे अगर जब हम बेल्ट लगाते हैं तो इस तरह का उसमें ये नुकसान हो जाएगा। और ये जला हुआ है, कहीं पर जल गया हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा एक लेयर जल गया हुआ है, तो फिर हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों वेब सीलिंग का आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि वेब सीलिंग कहाँ पे कितने टन का होता है, कलर कोडिंग क्या होता है, क्या क्या उसमें गलत मतलब क्या दिखेगा, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे।